मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। बता दें कि एक लॉज के सामने बाइक सवार दो युवकों ने एक व्यक्ति के पैसे से भरा बैग चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं जिस व्यक्ति का बैग चोरी हुआ है वह कलेक्शन एजेंट है और रोजाना की तरह कलेक्शन की राशि बैंक में जमा करने पहुंच रहा था, लेकिन इससे पहले ही उसका बैग चोरी हो गया। वहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी कर रही है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल दीपकर की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर लालबाग रोड पे फ्लिपकार्ट का ऑफिस है पुराना, जहाँ ताप्ती हॉस्पिटल था, ताप्ती हॉस्पिटल के पास में ऑफिस है फ्लिपकार्ट का। वहाँ से मैं पेमेंट कलेक्शन करने जाता ही रहता हूँ रेगुलरली, लेकिन आज जब रेगुलर पहले पैसा कलेक्शन करके निकला वहाँ से लगभग 10 बजे के आसपास, तो कलेक्शन करके निकला हूँ तो कोई दो लड़के मेरा पीछा कर रहे थे, जो बाद में फुटेज में दिखाई दिए हैं। तो वो लड़कों ने मेरा बैग जो था उसमें जो पैसे कैश रखा था, तो वो बस स्टैंड पे मैं रुका था एक जगह होटल पर, तो वहाँ से मेरे गाड़ी का बैग, जब मेरी नज़र नहीं थी शायद उस पर, तो उस समय बैग लेके निकल गए थे। कितने रुपए थे उसमें? उसमें लगभग 1,64,000 रुपये थे। मेन घटनास्थल कहाँ है, मतलब कहाँ से गायब हुआ है? गायब हुआ या बस स्टैंड के पास में जो प्रभु होटल है, प्रभु होटल करके है, उसके ठीक सामने एक पोहे नाश्ते की दुकान है वहाँ पर। आज सुबह 10 बजे के तकरीबन एक सुनील वर्मा जो कि कोरियर कलेक्शन का काम करते हैं, उन्होंने एक अपना जो बैग था उसमें कलेक्शन लेके जा रहे थे ये, और एक जगह दुकान पे अपना बैग रख के कहीं बात करने लगे मोबाइल पे, और उसी दरमियान किसी अन्य अनजान अज्ञात व्यक्ति ने वो बैग वहाँ से निकाल के ले गया। सर कुछ ट्रेस हुआ या कुछ जाँच है? अभी प्रथम दृष्टया CCTV हमने कुछ खंगाले, उसमें फुटेज वगैरह आ रहे हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस वगैरह वो भी काम कर रही है, और जल्दी इसका पता लगाया जाएगा। मेन घटना कहाँ की है? ये मेन घटना हमारे कोतवाली थाना अंतर्गत जो बस स्टैंड के पीछे वाला एरिया है, अपना भोजनालय, वहाँ से घटना घटी।